हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं अनुपम देव ऑफिशियल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है दोस्तों बोट की तरफ से बोट इमोर्टल 1300 गेमिंग हेडफोन। दोस्तों करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और आपको डिटेल में बताएंगे इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और दोस्तों गेमिंग के लिए कितना अच्छा रहने वाला है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स। तो दोस्तों बात करेंगे डिटेल में इस हेडफोन के बारे में, और दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर आप इसे 3500 में परचेस कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए कितना अच्छा रहने वाला है। दोस्तों बॉक्स के ऊपर में इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ड्यूअल कनेक्टिविटी मोड, दोस्तों ड्यूअल कनेक्टिविटी मोड मिल जाता है इसके साथ। 2.4 अल्ट्रा लो लेटेंसी इसके साथ मिलेगी। दोस्तों ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट इसके साथ मिल जाता है। दोस्तों बॉक्स के बैक साइड में देखेंगे, बैक साइड में इसके कुछ और फीचर दे रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों प्लेबैक ब्लूटूथ मोड, दोस्तों अगर आप इसे ब्लूटूथ मोड के साथ सुन रहे हैं तो इन्होंने बोला है दोस्तों 14 आवर आपको प्लेबैक में। डोंगल के साथ सुनोगे तो दोस्तों 11 आवर इन्होंने बोला है प्लेबैक आपको मिलेगा। डुअल माइक, डिटैचेबल माइक और पैसिव सेकेंडरी, दोस्तों इसके साथ आपको डुअल माइक मिलेंगे, एक डिटैचेबल माइक अलग से आपको मिलेगा। डुअल ऑडियो ईक्यू, वायरलेस 3D बोट सिग्नेचर मोड, 3 कलर ब्रीथिंग LED और दोस्तों इसके साथ आपको RGB भी लाइट मिल रहा है। और दोस्तों एडजस्टेबल ईयर कप्स और भी कुछ इसके साथ फीचर दे रखे हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा, इसका प्राइस 9,990, लेकिन एक्चुअल प्राइस दोस्तों इसे मैंने सेल में खरीदा था तो इसे मुझे लगभग 2300 में ये पड़ा है। अब दोस्तों बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनबॉक्स। बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो दोस्तों आपको एक हेडफोन दिख ही रहा होगा, दोस्तों रेड कलर मुझे ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने ये रेड कलर परचेस किया था। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे इसके साथ मुझे एक डिटैचेबल माइक मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाएगा। चार्जिंग केबल की क्वालिटी काफी सही लग रही है और दोस्तों टाइप सी चार्जिंग केबल है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा देखने के लिए, और दोस्तों 1 ईयर वारंटी कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों हेडफोन को मैंने बाहर निकाला है, देख पा रहे हो रेड कलर दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी है। दोस्तों 3500 में अगर आप परचेज कर रहे हो इसे तो भी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सही लगे। इसकी वेट की बात करूं तो दोस्तों इसे मैंने मेजर किया था, इसका वेट लगभग 270 ग्राम इसका वेट है। तो दोस्तों इसका वेट मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसे मैंने हाथ में पकड़ रखा है तो वेटेड थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। इसमें आपको RGB लाइट भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, रेड, येलो और पर्पल। दोस्तों इसके साथ एक डिटैचेबल माइक भी मिल जाता है। माइक की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसका वायर है वो थोड़ा सा हार्ड है, और दोस्तों यहां पे आप अपने हेडफोन में इधर कनेक्ट कर सकते हैं इस माइक को। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने सर के हिसाब से। और दोस्तों इसका जो हेड पैड है वो काफी सॉफ्ट है, आप इसे लॉन्ग टाइम तक लगा के रख सकते हैं। और दोस्तों इसके ईयर कप्स की बात करूं तो दोस्तों ईयर कप्स भी मुझे काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बोट का साइन आपको देखने को मिल जाएगा, इधर दोस्तों आप पावर ऑन ऑफ और यहाँ पे एक माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपने डिटैचेबल जो माइक है उसे कनेक्ट कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग केबल आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने हेडफोन को म्यूट कर सकते हैं, और दोस्तों यहां पे वॉल्यूम को हाई और लो कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे काफी इंप्रेसिव ये हेडफोन लगा है, और दोस्तों काफी अच्छा है। यहां पे दोस्तों देखेंगे काफी लुक भी काफी अच्छा आ रहा है, रेड कलर इस पे काफी सूट कर रहा है। यहां से दोस्तों ओपन करेंगे तो यहां पे इधर साइड से दोस्तों ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको रखा हुआ मिल जाएगा टाइप सी डोंगल, जिसे आप PC या अपने लैपटॉप में लो लेटेंसी के लिए कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सही फीचर दे रखे हैं, मुझे काफ़ी पसंद आया। अब दोस्तों इससे थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं और आपको बताते हैं इसकी जो म्यूजिक क्वालिटी है वो किस तरीके की, और दोस्तों गेमिंग करेंगे और आपको बताऊंगे कि गेमिंग के लिए कितना अच्छा रहने वाला है। तो पहले बात करूं इसके फिटिंग की, तो दोस्तों देख पा रहे होंगे लुक काफी अच्छा आ रहा है, और दोस्तों फिटिंग भी काफी अच्छी लग रही है मुझे। इसका डिटैचेबल माइक दोस्तों आप इसे लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ये मुझे काफी अच्छा लगा है।
और दोस्तों इससे मैंने काफी सारा म्यूजिक सुन लिया है और दोस्तों गेमिंग किया। तो दोस्तों अगर आप इसे सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो सॉन्ग में इसमें थोड़ा सा बेस आपको कम मिल रहा है, वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा है। और दोस्तों आप इसे मूवी वगैरह देख रहे हो तो काफ़ी इम्प्रेसिव यह हेडफोन रहेगा। और दोस्तों इससे मैंने काफ़ी देर तक गेमिंग किया है तो दोस्तों गेमिंग के लिए ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट हेडफोन। अगर आप अपने लिए गेमिंग के लिए परचेज करना चाह रहे हो तो आप इसे कर सकते हो, मुझे काफ़ी इस हेडफोन ने इम्प्रेस किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस हेडफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में। तो दोस्तों इसे आप ब्लूटूथ के साथ सुन रहे हैं तो आपको 14 आवर प्लेबैक ये दे रहा है, और दोस्तों अगर आप इसे डोंगल के साथ सुन रहे हैं तो 11 आवर प्लेबैक सुन दे रहा है ये। और दोस्तों अगर आप इसे आरजीबी लाइट जला के यूज करते हो तो लगभग आपको 10 या 11 आवर का प्लेबैक मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए इस हेडफोन के बारे में तो दोस्तों मुझे काफी इंप्रेस किया है। दोस्तों अगर आप इसे सेल में खरीद रहे हो 2200 या 2300 में तो ये काफी अच्छा रहेगा। अगर आप इसे 3500 में दोस्तों परचेस कर रहे हो तो थोड़ा सा इसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।